हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? मैं तो आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो बहुत दिन से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, काम की वजह से हम नहीं वीडियो बना पा रहे थे। तो आज हम सोचे वीडियो बना लेते हैं क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग का कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे। तो हम सोचे कि चलो यही बहाने आज हम बना लेते हैं थोड़ा सा वीडियो। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं करने ब्रेकफास्ट, बोले तो नाश्ता। तो चलिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आज नाश्ते में क्या क्या खाते हैं, आप नाश्ते में क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट क्या खाते हैं, सब पूछ रहे थे। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले कि हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है? आप देख सकते हैं रोटी है हमारे पास और एक बूंदिया का लड्डू, ये है तिल, और ये देख सकते हैं आप काजू किशमिश वाला दूध में फुलाया जाता है रात में और सुबह खाते हैं, और ये रहा पपाया, ये रहा मिल्क आधा लीटर, नाश्ता के बाद में हम इसको पी जाते हैं कच्चा। और आप देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा बैर है जिसको कलकतिया बैर भी बोलते हैं, और एक कच्चा अंडा दूध के साथ, कच्चा अंडा भी पीते हैं। और ये रहा ऑरेंज, और ये रहा एप्पल, और ये रहा मौसमी, देख सकते हैं ये सलाद। मूली आज नहीं था और खीरा नहीं था इसीलिए हम प्याज और टमाटर का ही सलाद बना लिया आज। इधर ये रहा थोड़ा सा छोला, और ये रहा चिकन कोरमा। तो बस ये सब को अभी हम खाने वाले हैं। खाने में ज़्यादा नहीं, हमको 15 या 20 मिनट का समय लगता है। तो चलिए हम खाना स्टार्ट करते हैं सबको। बस मेरा डेली का आप देख सकते हैं यही रूटीन है। बैर किसको पसंद है? कलकतिया बैर बहुत ही बड़ा बड़ा और एप्पल के साइज़ का बड़ा बड़ा बैर होता है ये, और काफ़ी टेस्टी और बहुत मीठा होता है। और ये मौसमी काट के खाते हैं आप, बाकी बात तो जान ही रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। ओके, बहुत टेस्टी है। पपाया बहुत मीठा, बिल्कुल चिकन कोरमा ज़्यादा रहता है इसीलिए जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। तो ज़्यादा पूरा खाते हुए तो वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि लेट होता है ना, और जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। अपने ब्रेकफास्ट में फल ज़रूर ऐड करें, फल लेना ज़रूरी है ब्रेकफास्ट में, समझे? हम नहीं बनाने वाले थे लेकिन रोज बार बार कमेंट कर रहे क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं। तो हम ठीक है भाई, बनाते हैं एक दिन वीडियो क्या खाते हैं बोल करके, समझे? आप सोच रहे होंगे कि रोटी कितना खाते हैं, तो हम बता दें आपको कि रोटी ज़्यादा नहीं, हम 8 पीस खाते हैं बस। रोटी बगल में जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं जा पा रहा होगा। अंडा कैसे पीते वो भी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो पूरा देखना, ठीक है? कैसे पीते अंडा और दूध दिखाएंगे हम आपको। चिकन कोरमा जो है ना बहुत टेस्टी है, एक नंबर, मज़ा आ गया। किसको किसको पसंद हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? एक चीज़ और ऐड करने में भुला गया अपने ब्रेकफास्ट में, हम जो है बनाना भूल गए अभी हम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बनाना भी दिखाएंगे, ठीक है? ओ पूरी भी लेते हैं, भुला गए थे बताने, नीचे में था ना, नहीं देख पाए थे। दीदी पूरी भी हम अपना ब्रेकफास्ट में लेते, आप लोग भी लीजिएगा। एक चीज़ और है जो है नाश्ते के बाद लाल चाय, लाल चाय नहीं रहा लास्ट में, फिर तो नाश्ता पूरा बेकार, इसीलिए लास्ट में नाश्ता का लाल चाय हम ज़रूर लेते हैं, आप भी लीजिएगा।
छोला टेस्टी है। काफी मीठा और स्वादिष्ट है। ठंड के मौसम में काफी मजा आता है, धूप में बैठ के। लेकिन अब वक्त है चाय का मजा लेने का। मसालेदार चाय एक नंबर वावा। वाओ, नाश्ते के लास्ट में चाय जरूरी है। चाय हो गया खत्म, अब पीते हैं हम काजू किशमिश। देख सकते हैं सलाद, चाय, चिकन कोरमा, रोटी, छोला, तिलकुट, पपीता, दूध, सब हो चुका है ख़त्म। अब है बारी अंडा, दूध और फ्रूट्स का। बैर बहुत ही मीठा, बहुत ही टेस्टी बैर है। काफी बड़ा बड़ा, शायद बहुत बड़ा बड़ा होता है। और ये रस सेम बहुत ही मीठा और लजीज। नाश्ते के बाद में फ्रूट जरूर ऐड करिएगा आप लोग, ठीक है? बहुत ही मज़ा आता है। अब वक्त है इसका। तो फ्रेंड्स हम नाश्ता कर चुके हैं, अभी हम रूम में आ चुके हैं। मज़ा आ गया, अच्छा लगा, पेट भर गया। तो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लंच कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं वो बताएंगे हम आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलिए अब वक्त है टाटा बाय बाय बोलने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।